हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज का ये छोटा सा वीडियो ये मेरी बेटी का है, तो मैंने सोचा कि आप लोग मेरे साथ एंजॉय करो। ये इनका जो है इवनिंग रूटीन है डेली का। डेली मैं इनको लेके 2-2.5 घंटे के शाम को बाहर रहती हूँ, तो ये अपना खेलती हैं। और इनके जो है ये अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है। इनका मूड है तो ये खेल रही हैं, और नहीं तो फिर तो सामान इधर उधर तोड़ फोड़ करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो चुकी हैं। तो आज ये मेरे साथ यहाँ पे बॉल खेल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से इंजॉय कर सको इसको देख के। और बच्चे के साथ कौन नहीं इंजॉय करना चाहेगा कि हाँ, सारा इंसान का जो भी टेंशन होता है वो भूल ही जाता है बच्चे के साथ रह के। और इनको नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो ये बहुत चालाक हो चुकी है। फ़ोन देखते ही सारा काम, सारा मतलब खेलना छोड़ के इनको बस फ़ोन चाहिए। तो अभी ये खेल रही है। काफ़ी दिन हो गया था मुझे ब्लॉग वीडियो बनाए हुए, तो मैंने सोचा मैं छोटा सा वीडियो भी बना लूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करो। और देखो आप इनकी शरारतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी की वजह से और मेरा कोई भी वीडियो या ब्लॉग नहीं आ रहा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, कितने मतलब लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें। बट मैं रिप्लाई तो करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं एक वीडियो बना के डालूँ ताकि और भी जितने लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वो देख के उनको कुछ फ़ायदा पहुँचे। बट मैं जल्दी कोशिश करूँगी ये सारी चीज़ें करने का, मैं सोचती रहती हूँ। तो ये अभी खेल रही हैं, और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। पास का जो बेल का आइकन है आप उसे भी प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग मेरे वीडियो देख सको। और प्लीज़ आप लोग का जो भी रिक्वेस्ट होगा तो मुझे मेरे कॉमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, वो चीज़ें भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं हम लोग इनका जो है वो सारी चीज़ें। हे गाइस, तो ये आ चुकी हैं घर में और अब देखिए इनकी शरारतें, ये सामान देखिए। मैं परेशान हो जाती हूँ पूरा दिन इसको इकट्ठा कर कर के। कभी कभी तो ऐसा मेरा मन करता है कि मैं 2-3 दिन तक झाड़ू ही न लगाऊँ घर में, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। लेकिन मेरी बेटी नहीं थकती है सामान फैलाने से, और मैं इकट्ठा कर कर के थक जाती हूँ। और आजकल नया सीखी है चेयर को उलट पलट के देखना, पटक देना कहीं पर भी, कहीं पर ले जा के रख देना। देखिए खड़ी हो गई बीच चेयर पे, इसको फिसल के गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। कहीं बेड से उतर जाना है, मतलब नाक में दम करके रखती है एकदम से ही मेरे। बट इसी को बोलते हैं बचपन।
इतना खुश होती है चेयर उठा के कि हाँ देखिए कि आप हम कुछ कर पा रहे हैं। बस इसी के साथ सारा दिन में घर में रहती है, तो देखिए अभी सिर्फ ये ऐसे हालत करती है, अभी सिर्फ 1 साल की हुई है, बाकी आगे चल के अभी पता नहीं क्या करेगी ये। और टीवी में सारा दिन रैम्स गाना बस यही चले रहा है, थोड़ा सा भी कोई सीरियल या फिर न्यूज़ लगाइए तुरंत रोना शुरू कर देती है। तो ये था आज का इसका छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ये है क्यूटी सी प्यारी सी।